नमस्कार, डीपीके न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष का दावा खारिज हो सकता है। अंजुमन इंतेजमिया प्रबंधक समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करके कहा कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे करवाने वाला वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का उल्लंघन है। इसके बाद ज्ञानवापी विवाद पूरी तरह इस बहस इसी कानून के इर्द गिर्द टिकी हुई है। तो आइए अब आपको बताते हैं क्या है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उपासना स्थलों को बदले जाने से रोकता है। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेंगे। यानी आज़ादी के वक्त अगर कोई मस्जिद थी तो उसके बाद उसे बदलकर मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा नहीं किया जा सकता। ये कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया था। तो अब देखते हैं क्या ज्ञानवापी परिसर का सर्वे गैर कानूनी है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील अश्विन उपाध्याय का मानना है कि ज्ञानवापी परिसर सर्वे गैर कानूनी नहीं है। उनके मुताबिक एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कि पूरे मॉन्यूमेंट पर यह लागू नहीं होता। ज्ञानवापी तो 300 साल पुराना है। अश्विन उपाध्याय के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं है तो उसका धार्मिक कैरेक्टर बदलने की बात कहां से आ गई। मुस्लिम लॉ के मुताबिक मस्जिद उसी जमीन पर बन सकती है जो खुद या दान की गई हो या खरीदी गई हो और उस पर पहले से कोई स्ट्रक्चर ना हो। ऐसे में ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल मदान का कहना है कि सर्वे का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि विवाद की शुरुआत एक अपील से हुई थी जिसमें पूरे साल पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। अगर आप सिर्फ पूजा करना चाहते हैं तो ऐसे में ये सर्वे करना और शिवलिंग के दावे करना बेवजह है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 साफ तौर पे कहता है कि आप उपासना स्थल को धार्मिक कैरेक्टर नहीं बदल सकते।